गाइस, वैसे आज का मौसम कितना सुहाना है बाहर का। वाह, मजा ही आ गया देख के। अरे फिंकरी भैया, अगर मौसम इतना ही सुहाना है तो चलिए कहीं घूमने चलते हैं ना, मजा आएगा। तुम लोग का फिर से घूमने फिरने का नाटक शुरू हो गया ना। अभी परसों ही तो घूम कर आए थे, अब हम लोग कहीं पर नहीं घूमने जाने वाले। हम लोग घर में बैठकर इस मौसम को एंजॉय करने वाले हैं। और क्यों नहीं जा सकते, सिंचाई ने गलत थोड़ी कहा है। पिछली बार वैसे भी तुम लोग मुझे घुमाए नहीं ले गए थे, इस बार हम लोग घूमने जाएंगे तो जाएंगे, बस हो गया। हे यार, आप लोग बेफालतू को लड़ो मत। हे फ्रैंकलिन यार, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, भैया को हम लोग पिछली बार घुमाए नहीं ले गए। और भैया यार, आप भी तो सो रहे थे ना, हमने आपको जगाने की कोशिश की थी। ओए मुन्ने, वो जब गहरी नींद किसी को भी लग जाती है तो कोई उठ नहीं पाता उस नींद से। ओए अब मैं क्या कर सकता हूँ। अरे वाह, आपने तो मेरी मन की बात कर दी जग भैया, क्योंकि गहरी नींद में पात मारने का मजा ही कुछ अलग होता है। अबे यार सिंचन, तू फिर से शुरू हो गया, चुपचाप से अपना मुंह बंद रख और हम लोग को सोचने दे कि हम लोग कहाँ पर घूमने जा सकते हैं। ओए मैं तो कहता हूँ मनाली चलते हैं, मैं तो कहता हूँ शिमला चलते हैं भैया। ओए मुन्ने, वो उधर ही पड़ता है। अबे तुम लोग की बकबक में चौप यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे चौप कुत्ते डॉगी, यहाँ पर क्या कर रहा है तू? मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब आगे का काम तुम्हारा है, यानी साफ करने का। हिचकिचका। अबे जाओ, तू पागल है क्या? तुझे कहीं समझ नहीं आता, कहीं भी हक देता है तू। ओह आई डोंट केयर, इट्स माय प्रोफेशन। हिचकिचका। अबे फ्रैंकलिन, ये पिलपिला डॉगी तो तेरे ऊपर डायलॉग मार गया। आओ, वो तुझ जैसा बागड़ बिल्ले के लिए भी डायलॉग है। हिचकिचका। ओए मुंह बंद रख ले, 2.5 किलो का हाथ खा जाएगा तू मेरा। आओ और तू मेरे टकटकी खा जाएगा, निकल लो यहाँ से। हिचकिचका। अरे भाई यही घर है क्या? एकदम सही, यही घर लगता है मुझे। एक मिनट, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? गाइस, तुम लोगों ने हमें बेवकूफ समझा है क्या? हम लोग यहाँ पर कुछ करने नहीं आए हैं, जो हम लोग को करना था वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। इसका मतलब क्या है? भाई मतलब पूछ रहे हैं? बता दे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने लॉस सैंटोस में जॉम्बी वायरस को फैला दिया है, और अब तक तो पूरा लॉस सैंटोस ही जॉम्बी बन चुका होगा। ओए जॉम्बी वायरस, ओए सारे रेड के बच्चों, ज्यादा फिल्में वगैरह मत देखा करो, ये सब चीजें फिल्में भी अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, भाग जाओ यहाँ से। अबे यार तुम लोग भी ना, पता नहीं कैसे कैसे कार्टून आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं यार। तुम लोग में लगता है पिछली मार का अभी तक असर गया नहीं है। मुझे तो लगता है इनको एक एक डोज दे ही देनी चाहिए। अरे डोज का मतलब क्या होता है? डोज का मतलब होता है थक टिक, जो कि जाग तुम्हारी अभी करने वाला है। ओए रुक जा, अभी बताता हूँ। ओए चल निकल ले, बहुत फालतू की बकवास करता रहता है ये। ले अब तो मेरी लात का, दोबारा यहाँ पर दिखना नहीं। ओए तू भी, तुझे भी वार्निंग दे रहा हूँ, निकल रहे तो बहुत मार खाएगा। तुम दोनों भाई को तो वैसे मैंने बहुत मारा है। अरे भाई मार डाला, चलो चलते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली लोग चले गए, बेफालतू का टाइम वेस्ट कर दिया, इतने में तो हम लोग घूम कर वापस भी आ जाते। एक मिनट, ये मेरे घर के बाहर किसने ट्रक ठोक दिया? अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया, आपकी गाड़ी फिर से चोरी हो गई क्या? अबे गाड़ी नहीं चोरी हुई सिंचन, पता नहीं किसी पागल ने हमारे घर के सामने ट्रक पार कर दिया। अभी इसकी बैंड बजाता हूँ, रुक जा। ओए इसकी इतनी हिम्मत, उड़ा दे फ्रैंकलिन फौजी स्टाइल में। हाँ अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई है तो चलो हम भी अपनी हिम्मत दिखाई देते हैं। आज के बाद हमारे घर के बाहर कोई गाड़ी नहीं पार करेगा। ओ भाई अभी भी नहीं जगह मिल रही, चलो फिर से उड़ाते हैं और क्या। और ये रहा दूसरा लॉन्चर, और ये हट गया। गाइस इस बात पर तो लाइक बनता है, जल्दी से वीडियो पे लाइक मार दो। अरे फ्रैंकलिन भैया मजा ही आ गया, आपने तो इस ट्रक का कबाड़ा कर दिया। अबे जिनचैन वो तो अपना स्टाइल है। ओ भाई साहब, ओ ये क्या हुआ यार? ओ यार मेरी गाड़ी गाइस, ओ ये कैसे हो सकता है, गाड़ी कैसे जल गई? मैं तो ट्रक को जलाया था। और क्या हुआ फ्रैंकलिन, क्यों गले फाड़ रहा है? और ये क्या हो गया? ए भैया क्या नहीं हो गया, बहुत कुछ हो गया, फ्रैंकलिन की फेवरेट कार जल गई भैया। और फ्रैंकलिन टेंशन मत ले, नई कार आ जाएगी। लेकिन इतना दुख हुआ, आज का हम लोग का घूमने का प्लान कैंसिल हो गया। हे भैया चुप रहिए ना यार। अरे भाई अब तो कार का अंतिम संस्कार होगा, मजा ही आ जाएगा। हाँ यार मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वैसे मेरी कार एक बार चोरी हो चुकी थी और इस बार ब्लास्ट हो चुकी है, ये कौन आ रहा है? ओ भाई साहब ये हाथ भी क्या लिया हुआ है, इसको मैं देखता हूँ। चल निकल ले, बहुत मारूंगा। एक मिनट ये मैं मार क्यों रहा है और इसके ऊपर खून क्यों लगा हुआ है? ओए फ्रैंकलिन ये तुझे अजीब सा नहीं लग रहा क्या? हाँ वैसे अजीब सा तो मुझे भी लग रहा है। एक मिनट, कहीं जॉम्बी तो नहीं जो सायरनेट कह रहा था? ओए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ओए मैं इसको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। जैक इससे जितना दूर रह सकता उतना दूर रहो, क्योंकि ये जॉम्बी है और ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड है और ये हम लोग को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। ओए जॉम्बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हे भैया अभी जितना फ्रैंकलिन ने बोला है उतना करिए यार। एक मिनट, फायर ब्रिगेड, कहीं ये लोग भी इन्फेक्टेड ना हो यार। ओ भाई इस डॉगी क्या हो गया यार? ओ ये डॉगी मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ओ यार डॉगी भाई इससे मेरे को पीछे छुड़ाओ यार। एक मिनट, जॉम्बी भी आ गया, कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट गन निकालता हूँ। ओ भाई साहब यार ये इतने सारे जॉम्बी कहाँ से आ गए, मारो इनको। ओए पापा कसम सबको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सबको चुन चुन कर मारूंगा। हे भैया छोड़ेगा नहीं? अब तो नहीं छोड़ूंगा, जेली मैं भी मारूंगा, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, इन सभी को मारते रहो, लगता है इन साइलेंट हैंड ब्रदर ने सचमुच जॉम्बी वायरस को शहर में छोड़ दिया है। ओ भाई यार ये डॉगीज तो कुछ ज्यादा ही डेंजर है यार, ये तो बार बार उठ खड़े होते हैं यार।
यार, हे संभल कर, ये डॉगी काटते भी है और इससे हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये देखो, ये डॉगी को अभी मैंने मारा था यार, ओए इसकी तो मैं भी बैंड बजाता हूँ। ये ले अब मेरी मार का। इनकी तो ऐसी की तैसी, सभी लोग घर की ओर भागो क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ओए इस समय तो इनसे भिड़ना भी नहीं सही रहेगा क्योंकि ये लोग हम लोग को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इस समय पहले घर चलते हैं हम लोग, फिर कुछ सोचते हैं और फिर कुछ प्लान बनाते हैं। हाँ यार, बाहर का तो माहौल कुछ ज्यादा ही बेकार है। देखते हैं लॉस सैंटोस सिटी में क्या चल रहा है। एक मिनट, ये क्या टीवी में कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, और ऐसा ही क्यों दिखाई दे रहा है? लगता है पूरी टीवी के सिग्नल ही चले गए। ओ भाई साहब, कहीं लॉस सैंटोस की मीडिया भी तो नहीं इन्फेक्टेड हो चुकी है? अरे भाई, इसका मतलब परसों तक का तो आरआईपी हो चुका होगा। गाइस इस बात पे तो एक लाइक बनता है। हाँ वैसे ये सही हुआ, परसों तक का आरआईपी हो गया, मतलब कि ये परसों तक नहीं देखना पड़ेगा। वैसे भी काफी ज्यादा कान पकाता था। अगर वो एवेंजर मुझसे हल्की पावर न लेते ना, तो मैं सब ज़ॉम्बियों को अपने 2.5 किलो के हाथ से तोड़ देता और फोड़ भी देता है। क्यों ना हम लोग एवेंजर ऑफिस क्यों ना चले, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सेफ भी रह सकते हैं और हम लोग को वहाँ से हेल्प भी मिल सकती है। वैसे होगी, तुम्हारा आइडिया गलत नहीं है। हो भाई साहब, ये घर के अंदर क्या कर रहा है यार, इसे मारो जल्दी से। हो, ये घर के अंदर कैसे आ गया? घर का दरवाजा खुला रखा है क्या यार? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, घर का दरवाजा तो बंद था, मतलब कि ये घर के अंदर ही था यार। ये तो मुझे मार रहा है, जल्दी से बाहर चलो सभी लोग। अरे फ्रेंकलिन भैया संभल के, ये डॉगी फिर से आ गए, इसको तो मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं। ये ले अब मेरी मार खा। सिनचैन तू टेंशन मत ले, इस डॉगी को तो मैं देखता हूँ। ये ले अब तू मेरी गोली खा। हो भाई साहब, हम लोग को यहाँ जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़ॉम्बी तो हम लोग को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। हे फ्रैंकलिन, ये बहुत सारे यार, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुझे भी लगता है योगी, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन हमारी गाड़ी तो ब्लास्ट हो चुकी है। एक मिनट, मुझे सामने फायर ब्रिगेड दिख रही है, चलो उसी पर चलते हैं। जल्दी से मेरे पीछे आओ। फ्रैंकलिन हमें भी एक दो गन दे दे। हाँ देता हूँ ना, एक मिनट। हाँ तो गाइस, अब हम लोग एकदम से रेडी हैं और हम लोग जाने के लिए तैयार है एवेंजर ऑफिस की ओर। अरे वाह गाइस, इस बात पे तो एक लाइक बनता है। अब मजा आएगा ना तोड़ने और फोड़ने में। भैया सबसे पहले हम लोग का यही टारगेट है कि हम लोग किसी भी हाल में एवेंजर ऑफिस तक पहुंचना है, और एवेंजर ऑफिस तक पहुंचने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये फायर ब्रिगेड। हाँ अब इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। चलो जल्दी जल्दी सभी लोग बैठ जाओ। ओए एक मिनट, अभी मैं नहीं बैठा, मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ जैक आराम से बैठो, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि ज़ॉम्बी हमारे पीछे ही है। ओए लेकिन कहाँ बैठो, मुझे तो सीट ही नहीं मिल रही। चलो कोई बात नहीं, टंग ही लेता हूँ। ओए चल फ्रैंकलिन, अब तू चल सकता है। हाँ तो चलो गाइस, अब हम लोग का मिशन है एवेंजर ऑफिस तक पहुंचना इन खतरनाक ज़ॉम्बियों से बच के। ओए मैं तो कहता हूँ रास्ते के सारे ज़ॉम्बियों को उड़ाते चलते हैं, मजा आएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए फ्रैंकलिन भैया शुरू हो जाइए, मैं आपकी गिनती गिनता हूँ। सिनचैन तुझे लगता है तो इनकी काउंटिंग कर पाएगा? ये इतने सारे हैं कि इनकी काउंटिंग करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। ओए फ्रैंकलिन संभल कर। ओए ये क्या बच गया, ये बच कैसे गया, उसको उड़ा देना चाहिए था। अरे ये फायर ब्रिगेड कंट्रोल ही नहीं हो रही, पता नहीं कैसे चल रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं क्या ही बोलूं, जब गाड़ी चलाने वाला ही ठीक नहीं है तो गाड़ी कैसे ठीक चलेगी। मतलब कि सिनचैन तो मेरी ड्राइविंग पर शक कर रहा है? और नहीं तो क्या, अभी तक अपने अपने फायर ब्रिगेड से एक भी ज़ॉम्बी को नहीं उड़ाया। अच्छा तो ये बात, तू अब तो देख सिनचैन मैं कैसे इन सभी को उड़ाता हूँ। ओए फ्रैंकलिन चुन चुन के मारिया और सबको उड़ा डालिया। अरे वाह, अब तो लगता है मजा ही आने वाला है। गाइस इस बात पे तो लाइक बनता है, जल्दी जल्दी वीडियो पे लाइक मारो। हाँ तो गाइस अब देखो मैं इन ज़ॉम्बियों की कैसे वाट लगाता हूँ। ओए जरूरत पड़े तो मैं भी हूँ पीछे, ओए सबके ऊपर पानी डाल दूंगा। ओए ये लो ज़ॉम्बियों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आया ना जरूर गाना चाहिए। ओए ये लो पानी खाओ। जब तक हम लोग एवेंजर ऑफिस तक न पहुंच जाए, रास्ते का कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बचने चाहिए, सबको कुचल डालो। ओए ये लो नमूना पानी खाओ, बहुत दिन से नहीं नहाया होगा ना, ये लो नहा लो। ओए फ्रैंकलिन अभी कितना दूर है? बस थोड़ी दूर है, और जैक थोड़ी देर तक और संभाले रहो, हम लोग पहुंचने वाले हैं। हाँ फाइनली गाइस हम लोग पहुंच तो गए एवेंजर ऑफिस तक, लेकिन हमारे सामने कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी हैं। सबसे पहले इनको निपटाते हैं फिर वहां तक चलते हैं। जल्दी जल्दी इनको मारो भाई। हे फ्रैंकलिन उस डॉगी संभल कर। हाँ मैंने इस ज़ॉम्बी डॉग को पहले ही देख लिया था होगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही मार दिया। ओ भाई साहब, ये लोग कैसे स्पॉन हो रहे हैं, इतने सारे ज़ॉम्बी। ओए फ्रैंकलिन मैं तो कहता हूँ तब तक तुम एवेंजर ऑफिस से मदद लेकर आओ, तब तक मैं होगी सिनचैन इन नमूनों को संभालते हैं। अच्छा ठीक है, तब तक तुम लोग यहाँ पर इनको संभालो और मैं जल्दी से जाके मदद लेकर आता हूँ। ओ यार मुझे जल्द से जल्द एवेंजर्स को लेकर वहां पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि होगी जैक सिनचैन ज्यादा देर तक उन ज़ॉम्बियों का सामना नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, क्या एवेंजर ऑफिस में भी ज़ॉम्बी? ये कैसे हो सकता है, एवेंजर ऑफिस में ज़ॉम्बी कैसे आ सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे एवेंजर से ही मिलना पड़ेगा। हेलो टोनी सर, बाहर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, आपको पता तो होगा ही ना। क्या यहाँ तो कोई नहीं है भाई? ओ भाई कहाँ चले गए सभी की सभी? हेलो टोनी सर, हेलो बैनर,
हेलो कैप्टन अमेरिका, कैप्टन भी नहीं है, कहाँ चले गए सभी के सभी? अरे ओडिन पुत्र थॉर, तुम कहाँ चले गए यार? ओ गाइस यार, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ओ भाई, ये हो क्या रहा है? ये लोग सब चले कहाँ पर गए? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग आखिरकार सभी के सभी चले कहाँ गए। एक मिनट, वहाँ पर तो ऑगी जैक सिंचन अकेले ही फाइट कर रहे होंगे। मुझे भी चलना पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो वहाँ पर उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। तेरी तो ऐसी की तैसी यार। हो भाई यार, ये जॉम्बी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे गाइस। पता नहीं, मैं एक को मारता हूँ तो दो और भी आ जाते हैं। और तो और फ्रैंकलिन एक बार में मरते भी नहीं। हाँ वही तो दिक्कत है, ये लोग एक बार में मरते नहीं, दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। फ्रैंकलिन, तुमने हमें बताया नहीं एवेंजर्स आ रहे हैं क्या? अरे वाह, अब तो मजा आएगा, अब मेरा हल्क सबकी चटनी बना देगा। ओ हाँ, वो तो मैं बताना भूल ही गया था, एवेंजर्स वहाँ पर नहीं है। ओए मतलब क्या है, मतलब एवेंजर्स भाग चुके हैं? ऐसा नहीं हो सकता, एवेंजर्स ही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी ना। अरे इसका मतलब मेरा दोस्त हल्क मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा क्या? सिंचन, फिलहाल तो अभी हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। हम लोग जब तक लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे। ओए बिल्कुल सही कहा, हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग जोर लगा देंगे। गाइस फिलहाल तो हम लोग को इन ज़ॉम्बियों से खुद ही लड़ना पड़ेगा। पता नहीं एवेंजर्स हमारी मदद के लिए आएंगे कि भी नहीं, लेकिन हम लोग को फाइट तो करना ही पड़ेगा ना। ओए सभी लोग तैयार हो जाओ।